हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है आज बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक को हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के ऊपर इस वीडियो की डिमांड कब से कर रहे थे तो फाइनली ये डिमांड आपकी पूरी हो चुकी है तो यार ये टॉपिक मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी है मैंने खुद ब्लॉक सीखा है तो वही मैं आपको बताऊँगा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि ब्लॉक होता क्या है क्या आपको वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए उसके बाद मैं आपको एक रोड मैप दूंगा कि आप किस तरीके से पूरे ब्लॉकचेन को सीख सकते हैं तो ये जो ये रोड मैप होगा ये आपको 60 से 90 दिन मैक्स मैक्स टू में आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं अगर आप एफर्ट डालोगे तो हाँ अगर आपको पहली वेब टू की नॉलेज है अगर मैं पहले वेब डेवलपमेंट किया है तो आप शायद कम टाइम लगेगा तो यार इतनी ब्लॉक की बात हो क्यों रही है मार्केट में हर कोई कह रहा है यार ब्लॉक चेन ब्लॉक बिटकॉइन की बात कर रहा है एन की बात कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं सब देखिए यार हमारे पास ना तीन वर्जन है वेब के तो फर्स्ट वर्जन आया था वो था उसमें नई नई चीजें आई क्या आई फेसबुक जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हम देख तो पा रहे हैं हम किसी की फोटो देख तो पा रहे हैं हम उसपे लाइक भी कर सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं वेब वन पॉइंट वो में वो चीजें पॉसिबल नहीं थी उसमें सिर्फ हम रीड कर सकते डेटा को अब आप यार रीड राइट तो तक सही था अब ये हो गया था कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी थी गूगल हो गया फेसबुक हो गया कि हमारे डेटा को ना स्टोर करके रख रहे थे तो भैया हमें क्या दिक्कत हमारा डेटा स्टोर हो रहा है तो यार उससे ना हमें भी नुकसान है किस टाइप का कि हमें मैनुपलेट किया जा रहा था आप देखते हो गया आपको कितने टाइप के आते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने आपका डेटा सेव कर रखा रहता है उससे वो डेटा एनालिटिक्स लगाते हैं और आपको दिखाते थे आपकी मन पसंदा एड इसलिए हमें वेब थ्री पॉइंट की जरूरत पड़ी वहाँ आप रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो और जो आपका डेटा है वो आप ओन भी कर सकते हो उस डेटा पे आपका है। कोई भी आपके परमिशन के बिना उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता इवन जो गूगल है कुछ भी है इन फ्यूचर अगर अभी आप यूट्यूब देख रहे हो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी आपको एड दिखती होंगी फ्यूचर में जब आपको एड दिखेंगी तो रेवेन्यू सिस्टम बदल जाएगा कैसे बदलेगा जो उस एड का कुछ पैसा मुझे भी मिलेगा और जो व्यूअर उस वीडियो को देख रहा है वो उसको भी मिलेगा तो ये बेनिफिट है ओनरशिप का तो आज इसको हम थोड़ा एक डिटेल में डिस्कस करते हैं हम रियल लाइफ में हमने देखा है एग्जाम्पल की तरीके से हम ले सकते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन है हमें पूरी तरीके से ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है हमने जब भी किसी को वोट दिया है हमें ये नहीं पता यार वो वोट काउंट होगा या नहीं होगा क्या इलेक्शन कमीशन कहीं करप्ट ना निकल जाए उसने वोट मैनिपुलेशन कर दिया तो वही चीजें हमें डॉक्टिनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है हमें रियलिटी में जीना है स्टेट ऑफ ट्रस्ट की मैं किसी में पूरी तरीके से ट्रस्ट करू आज तक तो, तो आप देखते हो भाई भाइयों में ट्रस्ट के लिए लड़ाइया हो जाती है ठीक है प्रॉपर्टी के लिए तो एक ऐसा ही सिस्टम बना दो जहां पर रियलिटी में जिया जाए ना कि, कि किसी के ट्रस्ट के भरोसे तो यार मैं पहले इलेक्शन कमीशन के एक्साम्पल से आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मान लो मेरे पास एक इलेक्शन कमीशन है ठीक है और मेरे पास दो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ठीक है थीके? दो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं एक तो हो गया ए और एक हो गया बी अब मान लो असली में रियलिटी में बी जीतने वाला है मान लो एक लाख वोट थे तो बी को साठ हजार थे असली में अगर जो काउंटिंग होती बिल्कुल फेयर होती

मान लो कोई करप्ट निकला भी ठीक है कोई करप्ट निकल भी गया जैसे मान लो ए ए ने किसी किसी पैसे को पैसे दे दिए ठीक है दो तीन को पैसे दे दिए लेकिन जो बाकी चार हैं वो अच्छे लोग हैं वो मुझे करेक्ट रिजल्ट बताएंगे ठीक है वो बताएगा कि हाँ रियल में बी ही जीता है हाँ अगर ए चार लोगों को दे देता है पैसे चार लोगों को सौ सौ करोड़ रुपए दे देता है तब बी जीत सकता है सिंपल सा रूल है अगर पचास परसेंट से ज्यादा फिफ्टी परसेंट से ज्यादा मेजोरिटी किसी चीज पे एग्री करती है तो हम उसी को रियलिटी मानते हैं तो यार जब हमारे पास सात इलेक्शन कमीशन है तब भी हमें ऐसा लग रहा है यार करप्शन हो तो सकता है ये एक इनको फिर भी खरीद सकता है लेकिन तब क्या होगा जब मैं इलेक्शन कमीशन एक लाख बना दूंगा में एक लाख इलेक्शन कमीशन है तो यार आप बोल गए भैया खर्चा भी तो उतना ही होगा जितने ज्यादा इलेक्शन कमीशन बनाऊंगा हाँ खर्चा भी होगा उतना ही होगा खर्चा तो होगा ठीक है मान लो मैंने एक लाख इलेक्शन कमीशन बना दिया अब एक लाख इलेक्शन कमीशन बना दिए आप पचास में का ना, 50 से है। पचास एक लोगों को खरीदना पड़ेगा। में तो रहा था, है ना से ज़्यादा है लेकिन हम उसे पचास हजार एक एक को खरीदना पड़ेगा। तब जाके वो जीत पाएगा जब ये एक लाख की जगह एक करोड़ हो इलेक्शन कमीशन तब तो और मुश्किल हो जाएगा कि ये पचास लाख एक इलेक्शन कमीशन को खुद खरीद पाए और यही इसकी दिक्कत नहीं होगी मैं इसमें एक और सिक्योरिटी लेवल ऐड कर देता हूँ मैं कभी बताऊंगा ही नहीं किसी को कि ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इंडिया में ठीक है मैं उनको किसी किसी को नागालैंड में रख दिया किसी को असम किसी को जम्मू कश्मीर अलग अलग जगह में रख दिया तब एक हो तो पहले उनको ढूंढना पड़ेगा कि यार ये वाला इलेक्शन कमीशन कहाँ है तब जाके तो घुस देगा और वो एक करोड़ है तो मतलब सोचो पचास लाख एक इलेक्शन कमीशन इसको ढूंढने पड़ेंगे फिर उनको ले पैसे का इंतजाम तो उतना ही मुश्किल होता जाएगा जितने ज्यादा मैं इलेक्शन कमीशन बनाते जाऊंगा उतना स्ट्रॉन्ग मेरा रियलिटी बनेगा तब भी एक तरीके से इजीली जीत सकता है इवन दो तो कि ए पैसे दे रहा है ठीक है क्योंकि इतने सारे को खरीदना इसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा तो यही सब चीजें पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हुई है ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है ये हमारे नोड है और जो हम जैसे लोग वोट कर रहे हैं इलेक्शन में वो सारा वोट इन सब के पास जा रहा है रियलिटी में तो हम एक करोड़ कंप्यूटर भी बना सकते हैं ठीक है एक करोड़ सर्वर इजीली बन सकते हैं अब वो तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट होंगे दुनिया के किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है तो उन्हीं को हम नोट बोलते हैं तो अगर मैं बात करूं ना तो हमारे नोट ऐसे कुछ होंगे कि एक नोट ये है ये इस तरीके से है इस तरीके से है ये नोट है मेरे तो ये नोट सिंपली क्या कर रहे हैं इनके पास डेटा रखा हुआ ये नोट है इसके पास डेटा रखा हुआ है बहुत से डेटा रखा हुआ है कि मैंने किसको वोट दिया इस नोट के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर ब्लॉक्स है और ये चेन ऑफ ब्लॉक्स है एक ही नहीं है सिर्फ एक ब्लॉक है इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक होंगे इसके अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक होंगे और सेम ब्लॉक यहाँ भी होंगे यहाँ भी होंगे यहाँ भी होंगे कोई करप्टर निकलता है मान लो जो ये वाला नोड है ये करप्टर निकला ये फेक रिजल्ट दिखा रहा है लेकिन तीन लोग है जो तीन है मेरे जो मेरे तीन नोड है ठीक है ये सही रिजल्ट बता रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन है तीन मेरे ये सही रिजल्ट बता रहे हैं तो इजीली बी जीत जाएगा इस तरीके से ये अभी तो मैंने चार नोट दिखाए ये लाखों नोट होते हैं करोड़ों नोट होते हैं इसलिए जो हमारा ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है वो तो बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई उसे हैक कर ले आप एक नोट हो दो को कर सकते होता पांचों को कर सकते हो और उसके लिए भी आपको पहले उस नोट का एड्रेस पता होना चाहिए कि वो सर्वर कहां रखा है तो उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई हो जाती है कि पूरा तो ब्लॉक चेन का नेटवर्क होता है उसे हैक करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है और उसके साथ ही ये इम्यूटेबल होता है ठीक है आपने इम्यूटेबल कैसे कैसा वो आपको एक्सप्लेन करता एक्सप्रिंग अभी मैंने आपको बताया नोट क्या होता है अब नोट के अंदर के मैं आपको ब्लॉक बता रहा हूँ कि ब्लॉक होते हैं ऐसा एक ब्लॉक दो ब्लॉक तीन ब्लॉक इन ब्लॉक के अंदर ना इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है तो इसमें इंफॉर्मेशन रोहित ने किसको वोट दिया रोहित ने किसको वोट दिया मान लो रोहित ने ए को वोट दिया वोट टू ए तो यही इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाती है अच्छा अब यही नहीं कि मान लो मोहित ने किसको दिया वोट मान लो उसने बी को दिया तो वो सारी इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक के अंदर स्टोर होती जाए ठीक है अब मान लो कोई निकला करप्टेड मान लो जो ये ए है जो इलेक्शन में कपला कर रहा था पहले से इसने क्या करा इस ब्लॉक पे गया मान लो उसे पता है कि मोहित ने बी को वोट दिया और उसने चेंज कर दी इस इंफॉर्मेशन को इसने मोहित को नहीं मुझे ही वोट दिया मोहित ने बी को नहीं ए को वोट दिया तो अब क्या होगा जो हमारी हैज कोड है प्रीवियस है, है प्रीवियस है इस पूरी जो है ये करप्ट होने वाली है कैसे होने वाली है जब भी मैं इसका हैज कोड निकालता हूँ इस वाले का हैस क्या होता है हैज क्या होता है

और प्रीवियस है, को कंक्लूड करके ही अपना हैस निकालता इसलिए जब पी एस चेंज होगा तो ये वाला हैस भी चेंज होगा ऐसे के मेरे सारे ब्लॉक जितने में होंगे वो करप्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर नोड पे और सबको पता चल जाएगा कि जो नोट है मेरा ये करप्टेड है तो आई थिंक मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया देखो मैंने ब्लॉक चेक का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं देखो यार मार्केट में ना दो टाइप के ब्लॉक डेवलपर प्रेजेंट है एक होता है कोड ब्लॉक डेवलपर कोर डेवलपर हम किसे बोल जिसने यार इथिलियम नेटवर्क को बनाया है पूरा स्टार्टिंग से जिसने कार्डनो सोलाना बिटकॉइन इन नेटवर्क को बनाया है पूरा स्टार्टिंग से बिल्कुल पूरा नेटवर्क बनाया तो यार जो ये वाली जॉब होती है लिमिटेड होती ठीक है तो पांच से दस परसेंट ही रहती है मार्केट में जो मेजर ब्लॉक चेन एप डेवलपर जो इन एग्जिस्टिंग मान लो का काम नेटवर्क है उसके हेल्प से कोई एक एप्लीकेशन बना दे उस वाली चीज की बहुत डिमांड है मार्केट में

आप पकड़ लोगे कि हाँ कि हम जब, चलाते हैं, जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम अपने वाले उसे करते हैं ना, आगे से अच्छा मुझे फोटो दिख रही है किसी की मैंने लाइक करा कमेंट करा जो अपनी स्क्रीन के फ्रंट में दिख रहा है वही अपना फ्रंट एंड होता है जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो जो भी मार्केट में जॉब है वो एक फुल स्टैक डेवलपर की है जो ब्लॉकचेन का होगा फ्रंट बनाना भी आना चाहिए अगर मैं इलेक्शन कमीशन का या फिर

कि रिमिक्स आई डी वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम वहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख पा रहे हैं तो हमें ट्रफल की जरूरत क्यों पड़ी है यहाँ पर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रहे हैं देखो जो हमारा रिमिक्स आई है वहाँ पे हम एक पूरा एक इन्वायरमेंट है उसमें जाके लिख रहे हैं जब हमें स्किलिटी वगैरह करनी है तो हमें वहां पर दिक्कत आ सकती है लेकिन जब हम ट्रफल वगैरह में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं और उससे हमें एक और हेल्प लेगी कि हम एक लोकल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉकचेन का अपने ही सिस्टम में जो आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना उससे आपको कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है इंटरनेट गया

जो भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो भी होता है जो भी प्राइवेट की पब्लिकी है वो यहाँ स्टोर करवाते हैं इसमें स्टोर करवाते हैं और इससे हम इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से उसके लिए एक और चीज़ यूज़ होगी वो होगा हमारा वेब थ्री जी इसका भी यूज़ होने वाला है उसके साथ ही मेटामास का मेटामास कहाँ हेल्प करेगा जब भी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो पैसे मैं यहीं से दूंगा तो मेटामाक को इससे ग्रास से, से कनेक्ट करना होता है वो आपको एक डिटेल वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस फॉर्म होती है मैंने आपको ओवर व्यू दे दिया कि किस तरीके से आप ब्लॉक चेन बढ़ सकते हैं ब्लॉक चेन की बहुत ज्यादा डिमांड है अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डिटेल कोर्स बनाऊँ अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को बना सकते हैं आप इसको ना रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपने एक वोटिंग सिस्टम बना दिया रियल इस्टेट में इतनी सारी प्रॉब्लम है जो जमीन के घोटाले होते हैं कि आज इसकी नाम जमीन की कल उसके नाम हो गई किसी को पता ही नहीं चला कानूकान तो रियल इस्टेट की फेक डिग्री वगैरह की भी आप बना सकते हैं आपने दिखाओ जो हमारे नेता है वो क्या करते हैं आज उनके पास डिग्री है नहीं है वो जाते हैं डी के किसी कॉलेज में कि यार मैंने उन्नीस में यहाँ से डिग्री ली थी और वहाँ के कागज रजिस्टर में चढ़ा देते हैं तो वो चीजें ब्लॉक चेन हमारी सोल्व कर सकती है तो यही आपको सोचना है कि रियल वर्ल्ड में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मेरा ब्लॉक चेन सोल्व कर सकता है अगर आप चाहते हैं मैं इसका इन डिटेल कोर्स लाऊ यूट्यूब पे फ्री में ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना है अगर मेरी वीडियो का लाइक काउंट पाँच हजार कर दे दो फाइव थाउजेंड क्योंकि मुझे लगना चाहिए यार कोई सीखने वाला है तो मैं तभी मैं भी इनपुट दे पाऊंगा अगर लगा कि कोई है नहीं सीखने वाला तो किसको सिखा पाऊंगा तो वीडियो का लाइक काउंट पांच हज़ार रखते हैं अगर मुझे इतने लाइक मिल जाते हैं तो मैं आप इसका बहुत डिटेल में कोर्स बनाऊंगा अभी मैंने बहुत सारी चीजें इसमें स्किप करी है मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करा है आप मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके बताएं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाय